भाई टेबल के नीचे से पैसा ऑफर करेगा तो कैसा चलेगा? भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है और कहीं ना कहीं नीचे से खाना है, ऐसा नहीं चलेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का OCM न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 6 का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। जी हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, बिजनेस की जिम्मेदारियां सोसाइटी के अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के लिए हमेशा ही बनी रहती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यार ये बिजनेसमैन, ये बिजनेस एंटरप्राइजेस का सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारी है। जी हां, गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। आप हमारे सुपरस्टार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, करंटली चल रहा है, फ्री बैच है। 600 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स, यहाँ 600-700 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस बैच का फायदा उठा रहे हैं। एब्सोल्युटली फ्री बैच है। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है स्काई एजुकेशन, जो डाउनलोड कीजिए और बैच रिक्वेस्ट भेजिए। हमें सुपर स्टार बैच आप ही के लिए है, जिसको रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको बैच कोड यूज करना है SUPERSTAR23। तो जरूर इसका फायदा उठाइए, एब्सोल्युटली फ्री बैच है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो की बात करें तो आज हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जान रहे हैं बिजनेस हाउसेस की टूवर्ड्स गवर्नमेंट। सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं इन कॉर्पोरेट हाउसेस की, इन बिजनेस हाउसेस की, अंबानी, अडानी, ये टाटा, ये बिरला जो है अपना एम्पायर तो खड़ा कर चुके हैं, लेकिन सरकार के प्रति भी इनकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, वही आज के आंसर का मूल तत्व है। दोस्तों, हर बिजनेस हाउस सोसाइटी से ही तो कमाता है और इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बड़ा जरूरी है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, एवरी ऑर्गन, क्या एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ बिजनेस। Thus, it becomes important that the business should do something for the society in return. तो हर तबका जो है सोसाइटी का, फिर वो कंज्यूमर हो, फिर वो इन्वेस्टर हो, फिर वो ओनर हो, या सरकार हो, या एंड कंज्यूमर, everyone is contributing to the success of these big business houses. और इसीलिए इनके लिए कुछ रिटर्न में करना जरूरी होता है, यही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी। दोस्तों, there are various interest groups, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, ओनर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, कंज्यूमर्स हैं, सरकार है, इन सभी के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां जो है बिजनेस हाउसेस को निभानी होती हैं। और बिजनेस हाउसेस के हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने पिछले कई वीडियोस में कवर किया है। ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, आप जरूर वहां से चेकआउट कीजिएगा। साथ ही साथ आज का जो वीडियो है इसको पूरा देखिएगा, ताकि आप समझ पाए कि यार गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स गवर्नमेंट। जनता जनार्दन के प्रति तो बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जो देश को चला रही है वो सरकार के प्रति भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। देर आर मेनी 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 जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द बिजनेस हाउस मस्ट फॉलो। याद रखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर, और हमारा शॉर्ट कोड 8 पॉइंट के आंसर के लिए है नोज आईटीसी। जी हाँ दोस्तों, नो फेवर्स, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत जरूरी है। ऐसे सजेशंस टू द गवर्नमेंट, ई से अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, और ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आई से इंप्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, और टी से टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, बेहद जरूरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो कुल मिलाकर के 8 पॉइंट है। नोज आईटीसी क्या बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, गवर्नमेंट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द बिजनेस, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको देश में बिजनेस करना है तो उस देश की सरकार के बनाए हुए जो भी नियम कानून है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो तो फॉलो करनी है, और इसीलिए गवर्नमेंट के साथ अच्छी बना के रखना बहुत जरूरी होता है। याद रखिए, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टमैटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की तरक्की हो, वो भी सिस्टमैटिक वे में हो, एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, लोगों का नुकसान ना हो, लोगों का फायदा हो, यही एक मकसद के साथ, यही ऑब्जेक्टिव के साथ सरकार चलती है। तो सरकार हमेशा चाहेगी कि बिजनेसमैन ट्रू और फेयर बिजनेस करे, अच्छे से बिजनेस करे, लोगों का वेलफेयर करे, फायदा हो लोगों का, जनता का, देश की, यही हर सरकार चाहती है। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज टू बिजनेस। ये हैं कुछ 8 पॉइंट्स नोज आईटीसी के माध्यम से। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एन से, नो फेवर्स। भाई टेबल के नीचे से पैसा ऑफर करेगा तो कैसा चलेगा? भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है और कहीं ना कहीं नीचे से खाना है, ऐसा नहीं चलेगा। याद रखिए दोस्तों,
किसी भी बिजनेस हाउस को फेवर्स नहीं करने हैं, ब्राइबिंग नहीं करनी है, करप्शन नहीं करना है। सामने से मांग रहा है तो कंप्लेंट कर दो, लेकिन फेवर्स मत करो। ये फेवर्स करने से यार कहीं ना कहीं माहौल सोसाइटी का, समाज का खराब होगा। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय ब्राइबिंग और इन्फ्लुएंसिंग देम। उनसे कोई फेवर लेना नहीं है, उन्हें लालच देकर के या करप्शन करके आप इस तरह से देश को खोखला बना देंगे। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद करें, ना कि उसे बढ़ावा दें। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको समझा होगा, यार ब्राइबिंग यानी करप्शन, रिश्वत देना नहीं है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की बात करूं तो ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी सरकार के नियम कानून है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड, आपके कमोडिटीज से रिलेटेड, वो आपको निभाने ही हैं। यू हैव टू ऑब्जर्व एंड फॉलो स्ट्रिक्टली द रूल्स एंड रेगुलेशन। द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर बिजनेस शुड फुल्ली कंप्लाइड विद। द बिजनेस शुड फॉलो द लॉज रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर अ स्पेसिफाइड बिजनेस। जो भी आपको बिजनेस के लिए लाइसेंस वगैरह लगता है वो लीजिए, इलीगली बिजनेस मत कीजिए, इलीगली व्यापार मत कीजिए, ऐसी कोई एक्टिविटी मत कीजिए जो इलीगल हो और रूल्स में फिट ना बैठती हो। द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड प्रोडक्शन एक्सेट्रा, दे शुड कंडक्ट बिजनेस इन लॉफुल मैनर। क्या लॉफुल मैनर में ही बिजनेस कंडक्ट करना है, कायदेशीर पद्धतशीर वागा आणि तसंच तुम्ही पुढे जात राहाल, नाहीतर मग कायद्याचा चौकटीत तुम्हाला देऊ एक। समझे की नहीं? तो कहीं ना कहीं बहुत लॉफुल मैनर में आपको बिजनेस करना है। दो पॉइंट हमने किए, नोज आईटीसी में नो फेवर्स एंड ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगले पॉइंट की ओर। एस से आता है सजेशंस टू द गवर्नमेंट। ये बड़े बिजनेस हाउसेस से ये उम्मीद भी होती है कि यार तुम सजेशंस दोगे सरकार को, एडवाइस करोगे सरकार को अच्छी पॉलिसीज फ्रेम करने से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं, ओवरऑल बिजनेस एनवायरमेंट से रिलेटेड। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड सजेशंस, सूटेबल सजेशंस टू द गवर्नमेंट बिफोर फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसी सच एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रही है तो सुझाव लेगी ना भाई कि तुम्हारा बिजनेस के हिसाब से कैसा है, भाई तुम्हारे हिसाब से कैसा होना चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी भले बनाएगी सरकारी, लेकिन ओपिनियन सबके जानेंगी और इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई टुवर्ड्स द गवर्नमेंट कि वो सजेशन गवर्नमेंट को दें। फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी हो, लाइसेंसिंग पॉलिसी हो, ये सारी पॉलिसी से रिलेटेड सजेशंस दे आर हेल्पफुल फॉर फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली पॉलिसीज। अगर आपके सजेशंस वाकई में ट्रू और फेयर हैं, अच्छे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली पॉलिसी बनाने में सरकार की बेहद ज्यादा मदद करेंगे। उम्मीद करता हूं ये एक और पॉइंट आपको समझा होगा, सजेशंस टू द गवर्नमेंट नोज आईटीसी में। ई से अगला पॉइंट, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। भाई तुम सरकार को सजेशन दोगे तो सरकार भी एक्सपेक्ट करती है, गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इट विल अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स। मतलब हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं, लेकिन कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट ये उम्मीद करती है, एक्सपेक्ट करती है कि यार गुड्स ऐसे बना जो एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट होगा तो बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, बाहर का पैसा देश में आएगा, और देश में अगर बाहर का पैसा आएगा तो देश का विकास होगा, सर्वांगीण देश का विकास करना है, भारत को आगे लेकर जाना है तो एक्सपोर्ट करनी बहुत जरूरी है, अपने गुड्स की फॉरेन एक्सचेंज कमाना जरूरी है। और इसीलिए सरकार ये उम्मीद करती है कि ये जो बिजनेस हाउसेस हैं वो ऐसा व्यापार करें जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारे बढ़ें। यस, द गवर्नमेंट रिक्वायर्स दिस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्टिंग वेरियस गुड्स, वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। इन्हीं फॉरेन एक्सचेंज के पैसों से सरकार कई गुड्स इंपोर्ट भी करती है और वैल्यूएबल सर्विसेज बाहर से खरीद भी पाती है। अगर फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं होगा तो यार देश ही ठनठन गोपाल हो जाएगा। बहुत जरूरी है फॉरेन एक्सचेंज कमा करके सरकार तक पहुंचाना, और वो काम बिजनेस हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, नोज आईटीसी में ई से एक और पॉइंट है दोस्तों, ये है ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आसान सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है। गवर्नमेंट एक टारगेट सेट करती है हमेशा ताकि बैलेंस्ड और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। बैलेंस्ड इसलिए कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी राज्य में विकास हो रहा है, किसी राज्य में नहीं हो रहा है। मतलब एक राज्य बहुत आगे बढ़ गया और एक राज्य पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है बैलेंस्ड विकास हो, बैलेंस्ड डेवलपमेंट और रैपिड डेवलपमेंट हो, क्विक डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल हो। तो ये ऐसा विकास तो यार तभी पॉसिबल है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपरली हो रहा है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड नेसेसरी कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ऐसा सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नोज आईटीसी में आई से इंप्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी, सामाजिक कल्याण। सोशियो इकोनॉमिक म्हणजे काय? सामाजिक कल्याणाची पॉलिसी, कोऑपरेट करो सोशियली,
और मॉनिटरी वाइज भी द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स कोऑपरेशन एंड हेल्प फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर इन इंप्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी. सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी सामाजिक कल्याण से रिलेटेड पॉलिसीज बनाने में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मदद करते हैं. टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स. भैया तू बड़ा बिजनेसमैन होगा तेरे घर पे, लेकिन टैक्स तो सबसे तेरे को भरना ही पड़ेगा. टैक्स का चोरी करेगा तो जेल में डाल देगा, समझा. टैक्स भरना बहुत जरूरी है और टाइम पे टैक्स भरना बहुत जरूरी है. इसी से सरकार जो है देश के लिए अलग अलग काम कर पाएगी. रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, ट्रेन चलाना है, बेहद जरूरी चीजें हैं और वो करने के लिए सरकार को फंड्स तो चाहिए ना. सरकार को फंड टैक्स से मिलेगा और इसीलिए टैक्स टाइम पे भरिए बिजनेस हाउसेस. द गवर्नमेंट इंपोजेस वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस. कौन से जैसे कि सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है और ये बिजनेस यूनिट्स से उम्मीद की जाती है दे शुड पे दीज टैक्सेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. यानी अगर फंड्स ही नहीं होंगे तो यार सही ढंग से काम करना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए जरूरी है कि यार अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हमेशा रहे. दैट इज पॉसिबल व्हेन दे पे टैक्सेस टाइमली. उम्मीद करता हूं दोस्तों नोज आईटीसी के माध्यम से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स गवर्नमेंट आप समझ पा रहे होंगे. आखिरी पॉइंट देख लेते हैं. सी से आता है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी. सरकारी तिजोरी, सरकारी खजाना, ये जो तिजोरी है, ट्रेजरी है, सरकार की तिजोरी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर रेगुलर पैसा आएगा कहां से? जब बिजनेसमैन अच्छा बिजनेस करेगा, अच्छा व्यापार करेगा, तो वो सर्कुलेशन मनी का, पैसे का सर्कुलेशन जो जारी रहेगा. दोस्तों द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फंड्स टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक. बहुत जरूरी है कि ऐसी नैसर्गिक आपदाओं के टाइम पे, मुसीबतों के टाइम पे, ये जो हमारे बिजनेस हाउसेस हैं वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसा डालें, डोनेशंस दें, हेल्प करें. इससे ही जो है सरकार मजबूती से और आगे बढ़ पाएगी. उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे पॉइंट आप समझ पाए होंगे. कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर हमने अभी अभी देखा है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स गवर्नमेंट. आंसर का नाम नोज आईटीसी. आंसर का नाम नोज आईटीसी. आंसर का नाम नोज आईटीसी. जी हां, एन से नो फेवर्स, ओ से ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन, एस से सजेशंस टू द गवर्नमेंट, ई से अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, ई से एक और पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आईटीसी बोले तो इंप्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस और कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी. उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे. जरूर 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 लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा. कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा. मेरा आईडी है राजगोर जयश्री. हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.